किया गया था। नवप्रासेस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नहाने के दौरान एक हादसा हो गया। जी हां, गहरे गड्ढे में एक 13 वर्षीय बालक डूब गया है। 1 घंटे से ग्रामीण बच्चे की खोज कर रहे हैं। आपको बता दें कि थाना प्रभारी केपी यादव को भी मौके पर सूचना दे दी गई है, वह भी वहां पर पहुंच गए हैं। एसडीआरएफ की टीम को भी सूचना दे दी गई है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डबरा सहयोगी दीपक तिवारी। दीपक, बताए क्या है पूरा मामला? जी मैं बता दूं, ग्वालियर झांसी हाईवे के डबरा के पास एक हाईवे के किनारे एक सहराई गांव पड़ता है। सहराई गांव में खेतों के बीच में एक गहरा गड्ढा है जो पानी से लबालब है। उसकी गहराई करीब 15 फीट ग्रामीणों द्वारा बताई जा रही है। इसमें डबरा के चवार कॉलोनी निवासी एक करण वंश का नामक बालक, जो करीब 13 वर्ष का बालक है, भाई अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए आया हुआ था और नहाते समय वह बच्चा गहरे पानी में चला गया, जिस कारण वो डूब गया है। बच्चा डूबा तो उसके दोस्तों ने बाहर निकल कर ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीण मौके पर आए, जिन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी केपी यादव तुरंत अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और बच्चे को खोजने के लिए रस्सी के सहारे प्रयास किए और पानी के गहरे गड्ढे में भी पुलिस उतरी, जिससे बच्चे को खोजा जा सके। लेकिन जैसा कि मैं बता दूं आपको, गहरा गड्ढा है, 15 फुट गहरा गड्ढा बताया जा रहा है, जो पूरी तरह पानी से लबालब भरा हुआ है, जिससे पुलिस ने कहीं ना कहीं बच्चे को निकालने में नाकाम रही, जिसके बाद पुलिस के जवान बाहर आ गए, ग्रामीण भी बाहर आ चुके हैं। अब इन पुलिस के द्वारा एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह मामले में सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की दिख रही है कि करीब घटना को 2 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन के कोई भी अधिकारी केवल यहाँ पर नायब तहसीलदार पिछोर बेल्ट के आए हैं। बाकी एसडीएम की हम बात करें तो भी प्रशासन का एक काबिल अधिकारी यहाँ ग्रामीणों को समझाइश देने के लिए मौके पर नहीं है। जी दीपक, कब का हादसा बताया जा रहा है ये? जी, करीब अभी 2 घंटे पहले का हादसा है। करीब 3 बजे का पूरी घटना बताई जा रही है कि बच्चे नहाने के लिए आए हुए थे, जिसमें एक बच्चा गहरे पानी में चला गया, जिससे वो डूबा है। डूबने के बाद ग्रामीणों को सूचना पुलिस को दी। पुलिस की तरफ से थाना प्रभारी केपी यादव तुरंत आए घटना स्थल, लेकिन हम प्रशासन की बात करें तो अभी तक प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं है जो घटना के स्थल पर स्वयं आया हो। यहाँ हम बात करें तो करीब 15 फुट गहरा गड्ढा बताया जा रहा है, जिसमें बच्चा डूबा है। यहाँ काफी ग्रामीण जनों की भी भीड़ है, जो प्रशासन के खिलाफ लगातार अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। बच्चे के परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? बच्चे के परिजनों का पूरी तरह प्रशासन पर साफ तौर पर वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि घटना को 2 घंटे बीत चुके हैं, उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके का बच्चे को खोजने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। वो लोग बहुत ही आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पे कि प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर रहा है, या केवल प्रशासन तमाशबीन बन के खड़ा हुआ है। जी दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।